भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाड़मेर जैसलमेर विभाग संयोजक भूम सिंह सुंदरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्होंने लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर राज्य सरकार को जमकर घेरा और इसे बेरोजगारों के भविष्य पर कुठाराघात करार दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की। एक अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75 वर्ष की ओर 2023 में होने जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश भर में हम जिला सम्मेलन कर रहे हैं और हमारा बाड़मेर का भी 13 फरवरी 2023 को जिला सम्मेलन जो थार का युवा संगम सर के हमने नाम दिया था वो संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में हमारे उद्घाटन सत्र, प्रस्ताव पारित किए गए, शोभा यात्रा और खुला मंच का हमने आयोजन किया। हमने हमारा मेन जो मुद्दा होता है वो प्रस्ताव होते हैं। इस साल हमने 2 प्रस्ताव पारित किए, उसमें पहला प्रस्ताव था जो राजस्थान का वर्तमान शिक्षा का जो स्थिति है और दूसरा हमने प्रस्ताव पारित किया तो राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य। राजस्थान में शिक्षा की अगर बात की जाती है तो शिक्षा हम सबको ध्यान में कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पर राजस्थान में पिछले 4 साल से जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आज सरकार ने अपनी वाहवाही ढूंढने के लिए पूरे प्रदेश भर में जो राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों के जो विद्यालय थे माध्यमिक को तो कर्मोन्नत कर दिए, पर वहाँ पर 90% से अधिक व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। वहाँ पर प्रधानाचार्य की अभी तक कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई है। आज का आप अखबार जो राजस्थान पत्रिका देख लो उसमें 3812 विद्यालय में एक एक शिक्षक जो 3rd ग्रेड के लगाए हुए हैं उनका आप एक बार चिंता करो, उसके भविष्य के बच्चों के भविष्य के ऊपर क्या बीतती होगी, उनका भविष्य अंधकार की ओर जाता है। मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य सरकार को जो एक राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य है और एक राजस्थान की शिक्षा की स्थिति, ये 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों को भेजे जाएंगे। उसमें साथ में राजस्थान बाड़मेर में KV महाविद्यालय है जो जालीपार रोड पर दूर पड़ता है और अब संख्या भी एक देखा जाए विद्यार्थियों की तो वो ज़्यादा है, तो हमने एक KV महाविद्यालय की भी मांग की है शहर के अंदर हो।